गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आप लोग ठीक ही होंगे। मैं हूँ ममता विश्वकर्मा और मेरे चैनल का नाम है ममता विश्वकर्मा ब्लॉग्स। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको लग रहा होगा कि मैं अभी सोई हुई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये मॉर्निंग के कुछ 11 बज रहे हैं, नाश्ता वगैरह हो चुका है और आज है सैटरडे, छुट्टी का दिन, तो इसलिए मैं थोड़ा सा काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पूरा सुस्ती आ रहा है, ऐसा लग रहा है सो जाऊं, पर नहीं हो सकता क्योंकि घर के काम भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आज है सैटरडे, बच्चे खेल रहे हैं नीचे और मैं चल रही हूँ। अभी सोचा आप लोग के साथ ब्लॉग शूट कर लूँ, तो आज का मेरा जो रूटीन है वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग में क्या पसंद आता है। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी आगे क्या करना है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे लेना है भाजी, मैं भाजी वाले का वेट कर रही हूँ। अगर भाजी वाला आ जाता है तो मैं भाजी ले लेती हूँ। क्या क्या लेती हूँ वो भी सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मेरे बाबू की मस्ती, कितना मस्ती करते छुट्टी के दिन। छुट्टी के दिन बाहर तो नहीं जाना होता है, पर इन लोगों की मस्ती झगड़ा इतना करते हैं लोग, दोनों भाई। दोनों भाई नहीं, मम्मी मम्मी ने उसको मारा तो उसकी गलती है। उसके जैसे कौन बोल फेंकता मार 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 दे रहा था। देखा, मैं तो थक जा रही हूँ ऐसे। मेरी आज इतनी, मेरा फेस देख के देख ही रहे होगा कैसा लग रहा है। ऐसे लग रहा है मैं सो जाऊँ बाबू को लेके। तो यहाँ पे मैंने भाजी ले लिया है, भाजी वाला आया था तो मुझे जो जो भाजी लेनी थी, क्योंकि देखिए बारिश भी हुई थी तो इसकी वजह से भी भाजी वगैरह ज़्यादा दिन लेके कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे मैंने आंवला लिया था तो उसका देखिए कलर कैसे चेंज हो चुका है, तो मैं अभी उसका भी एक DIY बनाने वाली हूँ। आज नहीं, दूसरे दिन बनाऊँगी, नेक्स्ट डे जब मेरा संडे का व्लॉग आएगा उसमें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो उसका भी मैं बहुत अच्छा रेमेडी बनाने वाली हूँ DIY। तो यहाँ पे मैं अपने फटाफट जो सब्जियाँ हैं वो रख लेती हूँ। और मैंने मिक्स वेजिटेबल्स लिए क्योंकि बच्चे हैं जो मेरे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं उन लोगों को हर वेजिटेबल्स में कुछ ना कुछ बना के देती हूँ। तो ऐसे ही मैंने एक रेसिपी बनाई हूँ, ये भी बहुत हेल्दी है और छोटी मोटी भूख के लिए बहुत बेस्ट है। ये रेसिपी आपको कुकिंग विद ममता विश्वकर्मा के चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी और ये बहुत हेल्दी और बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो ज़रूर आप लोग जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे एक से एक आपको रेसिपी हेल्दी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए, यहाँ पे हो चुकी है शाम और शाम का मेरा जो चाय नाश्ता है, काम है पानी वगैरह का, वो सब हो चुका है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोग के साथ इतनी स्किन की केयर शेयर करूँगी, तो चलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके पहले मैंने जो प्रोडक्ट मंगाया था वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए मैंने लिपस्टिक लगाई हूँ, ये जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था ना, ये वाला सेट लगाया है मैंने, बहुत बहुत अच्छा लिपस्टिक है। अगर आप पूरे कलर, लाइट कलर भी है इसमें, डार्क कलर भी है, तो डार्क भी देख सकते हैं। मैंने इस कलर का, कलर में कोई फ़र्क नहीं, जो कलर दिखाया गया वही कलर आपकी लिप्स पे दिखने वाला है और बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि आपको ड्राई करेगा आपकी लिप्स को, बिल्कुल नहीं, और लंबे समय तक चलने वाला है ये। और ये मैंने मीशो से मंगाया था और 122 रुपये में दो है, बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, यहाँ पे लिपस्टिक के बारे में बता दिया है। और यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल भी मंगाया था आप लोग के साथ, ये सारी रिव्यू मैंने शेयर किया। एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, और तो मैं आज उसी से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी सामग्री ले ली हूँ, तो एलोवेरा की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। तो चलिए, यहाँ पर मैं डेली इस्तेमाल करती हूँ एलोवेरा जेल, तो मुझे बहुत लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पे आपको ले लेना है खाली बाउन, और यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ। देखिए आप ये जो मैं आप DIY बता रही हूँ स्किन के लिए ना, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच भर के एलोवेरा जेल ले रही हूँ। तो ये देखिए पूरा ट्रांसफ़र है, जैसे हम प्लांट में से निकालते हैं वाइट वाला वैसे ही है। तो इसका रियल में भी रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया है, और अब लेने वाली हूँ 1 चम्मच हनी। हनी हमारी स्किन को मॉइस्चराइजर करता है, और एलोवेरा जेल हमारी स्किन पे बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जो तीसरी चीज़ लेने वाली हूँ वो है कॉफ़ी पाउडर। तो यहाँ पे मैं 2 रुपये वाला जो कॉफ़ी पाउडर आता है वो मैंने पूरा ले लिया है। अब इसे कर लेना है बहुत अच्छे से मिक्स, और यहाँ पे हमारा जो है स्किन का जो है DIY रेडी हो चुका है। तो ये आपकी स्किन को वाइटनिंग करेगा, और जितनी भी आपकी स्किन की समस्या ना, जैसे अभी धूप बारिश हो रही है तो हमारी स्किन कैसी हो जाती है, एकदम डल हो जा रही है, धूप की वजह से ब्लैक होने स्टार्ट हो रही है। तो इस DIY को आप स्टोर करके भी रख सकते हो। देखिए इसे मैंने इस तरीके से स्टोर करके रखा, और थोड़ा सा मैंने निकाल लिया है बाउन में। तो चलिए आप लोग को लगा के भी दिखाती हूँ मैं इसे लगाना कैसे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बाउन में ले लिया है, तो उसे मैं लगा के दिखाती हूँ। उसके पहले आपको अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लेना है, मतलब फेस वॉश कर लेना है, तो ही आपको अपने फेस पर इसे लगाना है। तो चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ। ये जो DIY है अपनी स्किन पे, पहले अच्छे से अपने फेस पे पूरा इस तरीके से लगा लेना, और अपने दोनों हाथों से लेके इसे मसाज करना है। मसाज का टाइमिंग आप 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पे रखिए और मसाज कीजिए, और इसे आँखों के नीचे और आँखों के ऊपर भी अच्छे से मसाज कीजिए। इससे आपके जो ब्लैक हेड है ना, और आँख के नीचे जो कालापन है उसे भी ये दूर करेगा। और अगर आपको स्क्रब की ज़रूरत है तो आप इसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा शुगर पाउडर भी ऐड करके आप स्क्रब कर सकते हैं। स्क्रब कैसा होता है, हम रोज़ अपनी स्किन को स्क्रब नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको ऐसा एक DIY लाई हूँ जिसे आप डेली यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसे लग रहा है आपको स्क्रब की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सा शुगर शक्कर लीजिए, उसको थोड़ा सा पाउडर कर लीजिए। आपको आधा टमाटर लेना है, उसमें शक्कर का जो पाउडर होता है वो ऐड कर लीजिए, और जो हमने DIY अभी बनाया है वो उस पर डिप करके उसमें थोड़ा सा डाल के और अपने फेस पे अच्छे से स्क्रब कीजिए। और डेली अगर आपको करना है तो इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे मैं मसाज कर रही हूँ उस तरीके से डेली कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाएगी ना, कि ऐसे लगेगा कि आपने कोई भारी क्रीम लगाया है, या फिर आप कोई चीज़ ग्लोइंग फेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने फेस पे मसाज करना है डेली। अगर आप रात में कर रहे हो सोने से पहले तो बहुत बेस्ट है, या आप दोपहर में कीजिए जब आप रेस्ट करते हो, उसके पहले आप लगा के इसे रेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा जो मसाज करके कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए मैं इसे आपको तुरंत धोना नहीं, इसे 5 मिनट अपने फेस पे रखने दीजिए। 5 मिनट में खुद ही ये ना सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो उसके बाद कैसे निकालना है वो भी बताती हूँ। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है, और आपको डायरेक्टली नहीं धोना है, आपको गीला एक कॉटन का हैंकी या आप जिसे फेस वगैरह क्लीन करते वो ले लीजिए। तो रिज़ल्ट देखिए आपके सामने है, और आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाएगी ना, जैसे लगेगा आपकी स्किन पे आपने कोई भारी फेशियल वगैरह करा, इतना अच्छा क्लीन हो जाएगा आपका फेस। तो इसे गीला हैंकी लेके अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है पूरा। और हाँ, कभी भी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते पैक स्क्रब, तो आप अपने गले को बिल्कुल ना भूलिए, उसे भी आप साथ में करना ही है, नहीं तो आपकी स्किन अलग हो जाएगी और जो गर्दन के नीचे का भाग है वो आपका जो है अलग हो जाएगा दिखने में। तो इस तरीके से आपके फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद आपको लास्ट में जो सबसे लगाना है वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए मैंने अपने फेस को अच्छे से धो लिया है, और ग्लो देखिए, ग्लो आपके सामने है। अगर आप डेली यूज़ करोगे ना, बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हो करवा चौथ दिवाली सब आ रहा है, तो हमारी स्किन तो सुंदर लगना ही चाहिए, ग्लो दिखना चाहिए। और लास्ट में मैं लगा रही यहाँ पे एलोवेरा जेल, और इसे लगा के छोड़ देना है आपको
अगर आप लोगों को मेरा ये DIY पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। और तो यहाँ पे देखिए मेरा हो चुका है और मेरे घर के भी अभी मुझे बनाना है खाना, तो अभी तो नहीं, मैं आधा एक घंटा बाद रेस्ट कर लूँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे मेरी स्किन पे रिज़ल्ट देखिए आपके सामने है। तो यहाँ पे हो रही है स्टडी टाइम, आज मैं इस तरफ बैठी हूँ और मैं गए हैं पेन लेने, और मेरे कपड़े देख सकते हो बहुत सारे कपड़े हैं, बारिश की वजह से कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। और अभी मैं पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी, और वैसे भी कल संडे है, तो संडे है तो सबका छुट्टी है, पर बच्चों के ट्यूशन की छुट्टी नहीं है क्योंकि बच्चों की है इस मतलब बच्चों का एग्ज़ाम चालू है, तो इसलिए छुट्टी बिल्कुल नहीं दिया है। अगर आप बच्चों को डेली अगर एक टाइम लेके बैठ के पढ़ाते हो तो बच्चे ज़रूर उस टाइम पे आपके साथ खुद पढ़ने के लिए बोलेंगे कि मामा टाइम हो चुका है चलिए पढ़िए। अगर आप डेली कर रहे हो तो, अगर आप एक दिन भी डेली मतलब नहीं पढ़ाए आप, या तबीयत मेरी इतनी भी तबीयत ख़राब थी तो भी मैंने उसे उस टाइम पर पढ़ाया, तो आज खुद वो मुझे बोलता है मम्मी चलो टाइमिंग हो चुकी है पढ़ना है, तो ये थोड़ा अच्छा लगता है। अगर हम थोड़ा सा लापरवाही कम करेंगे तो बेस्ट है। तो अभी हम तो पढ़ा रहे, स्कूल से पढ़ रहे, ट्यूशन भी पढ़ रहे, तो अभी बाकी उनके हाथ में है कि वो कैसे पढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं फटाफट इसे पढ़ा लेती हूँ, और एग्जैक्टली आज मैं उसे इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने के लिए दूँगी क्योंकि मंडे को पेपर जमा करना है स्कूल में, इसलिए तो आज पेपर इंग्लिश का, ड्राइंग क्राफ्ट का तो हो चुका है, और पर मंडे को इंग्लिश का जमा करना है पेपर अभी इसके लिए। तो चलिए मैं इसे पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से।